हेलो हेलो स्वीटहार्ट, रॉन्ग नंबर। आप रॉन्ग नंबर पे बात नहीं करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। सोच लो, फायदा हो सकता है। अच्छा। ड्रामा सीरियल डैडी पाकिस्तान का बेहतरीन क्लासिक ड्रामा है जो 2010 में एआरवाई पर नशर हुआ था। इस ड्रामे के टोटल 13 किस्त है। ये सीरियल समीना हमायून सईद के प्रोडक्शन हाउस सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन वालों ने प्रोड्यूस किया था। इस ड्रामे का रिव्यू हमने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ किस्त नंबर एक का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड नंबर एक में हमें दिखाया जाता है कि आज आनिया का सालगिरह है और उसको अपने अम्मी अब्बू की तरफ से कॉल आई है और आनिया को बर्थडे विश करते हैं। आनिया के अब्बू और उनके अम्मी उनके घर आना चाहते हैं। इस दौरान हमें ये भी देखने को मिलता है कि आनिया के दो बच्चे भी हैं, बिलाल और हाया, जो कि एक दूसरे के साथ स्कूल के किसी बात पर लड़ाई कर रहे हैं, जो कि आनिया देखकर दोनों को हैंडल करती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम जहानजेब की एंट्री खुशगवार मूड में देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस आ गए हैं। जहानजेब किसी टीवी कमर्शियल एड में काम करता है। कहानी आगे जाती है और हम एक बार फिर आनिया को अपने घर में देखते हैं, जहाँ उनको जहानजेब के अब्बू यानी अपने ससुर की कॉल आती है, जो कि एक अकेले घर में रहते हैं। लेकिन बच्चों की लंच का टाइम होने की वजह से ज्यादा बातचीत नहीं होती और कॉल कट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आनिया का एक तीसरा बेटा भी है जिसका नाम हसाम है और वो किसी कॉलेज में पढ़ता है, जो कि रोज लेट कराता है। सीन चेंज होता है और आनिया कोई मूवी बहुत गहराई से देखती है, जिससे पता चलता है कि आनिया को फिल्में देखने का बहुत शौक है और उसने अपने पास सैकड़ों बेहतरीन मूवीज की सीरीज रखी है। वो अपनी सीरीज गैलरी में मूवी देख रही होती है कि उसी दौरान जहानजेब की कॉल आती है, जो कि बहुत रोमांटिक अंदाज में आनिया से डेट पर जाने की प्रैंक करता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि आनिया और जहानजेब हस्बैंड वाइफ है, जो कि 25 साल से शादीशुदा है, लेकिन आज भी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जहानजेब आनिया से रेड साड़ी पहनने की फरमाइश करता है, जिस पर आनिया शर्माकर कॉल कट कर देती है। सीन कट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि आनिया के बच्चे मिलकर कुछ प्लान्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जो अपनी माँ आनिया के लिए सरप्राइज होता है। यहाँ पर जहानजेब की कॉल आती है और आनिया को बाहर आने के लिए कहता है। आनिया परेशान होती है क्योंकि ना बच्चे उनको कुछ बताते हैं और ना ही जहानजेब। आनिया बाहर आती है और जहानजेब के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। आनिया जहानजेब से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। जहानजेब बात को घुमा फिरा कर बोलता है कि तुम्हें अगवा किया है, लेकिन असल बात फिर भी छुपा देता है। दिन ढलने के बाद जहानजेब आनिया को घर लेके जाता है, जहाँ पर आनिया को सरप्राइज मिलता है क्योंकि आज उनकी सालगिरह थी। उनको लगा कि किसी को पता नहीं, लेकिन सब घर वाले उनको सरप्राइज देना चाहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आनिया के बर्थडे का केक रेडी है और उनके घर आने पर सब उनको सेलिब्रेट करते हैं। कहानी आगे जाती है, जहाँ पर आनिया और जहानजेब हम इकट्ठे देखते हैं। आनिया अपनी उम्र बढ़ने पर परेशान होती है, जहाँ पर जहानजेब उनका मजाक उड़ाता है। आनिया को फिल्मों में काम करने का शौक है, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र की वजह से उनको परेशानी होती है और उनको लगता है कि वो फिल्मों में काम नहीं कर पाएगी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जहानजेब और आनिया दोनों डिनर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहानजेब आनिया को किसी महंगी पार्टी में लेकर चलता है। आनिया को अच्छा नहीं लगता और वो इन क्लासी आंटियों की बातों से बोर फील करती है। वापसी पर आनिया जहानजेब के सामने प्यार भरे अंदाज में उन क्लासी आंटियों की मिमिक्री करती है, जो कि बहुत प्यारी लगती है। घर आकर पता चलता है कि आनिया का ससुर उनके लिए कुछ फेमस फिल्मों की सीरीज लेकर आए थे, लेकिन आनिया और जहानजेब ने आने में देर करने की वजह से वो चले गए थे और फिल्म सीरीज वही छोड़कर गए थे। दूसरे दिन हम देखते हैं कि आनिया के बाबा और उनकी अम्मी उनके घर आई है और जहानजेब से बैठकर बातें करते हैं, जहाँ फौरन बाद जहानजेब के वालिद की एंट्री होती है, जिसने रात इतने मज़ेदार मूवीज लाई होती है, जिसके आने का आनिया भी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। पूरा दिन फिल्में देखने के बाद भी आनिया और उसके ससुर डिनर के दौरान भी फिल्मों की बातें ही कर रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि जहानजेब के वालिद की भी पुराने वक्तों में फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो कि जहानजेब के दादा चलाया करते थे। दूसरे दिन सुबह होती है और आनिया के घर एक लेटर आता है, जिसको देखकर बच्चे और आनिया हैरान हो जाते हैं, जहाँ इसी एपिसोड का इख्तिताम होता है। इस एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब कॉपीराइट पॉलिसी के तहत हम उसको यहाँ तो अपलोड नहीं कर सकते। इस ड्रामे का अगर आपको एपिसोड नंबर 2 चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।